युवा राजद अध्यक्ष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगारी, महंगाई, हत्या और लूट पर अंकुश लगाने में विफल है। वर्तमान सरकार को अपनी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को कई प्रश्नों की जानकारी दी। बिहार में फर्जी सरकार जो चल रही है, इस वक्त विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के लोग, वो लोग फर्जी लोग हैं। असली लोग वो होता है जिसको जनता चुनती है, और जनता ने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को चुना, लेकिन लोगों ने फर्जी तरीके से डकैती करके सत्ता को हासिल किया, और जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, 19 लोगों को रोजगार अभी तक नहीं मिला है। 5 महीना बीत चुका है। मेरे नेता ने कहा था कि पहले कैबिनेट के पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इन लोगों ने लंबे लंबे वादे कर दिए, कोई पुरसान हाल नहीं है, बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। दारोगा बहाली वाले पर अभ्यर्थियों पर जो है वो लाठियां चलाई जा रही हैं, महिलाओं पर लाठियां चलाई जा रही हैं। तो बेरोजगार परेशान है। आपको जानकारी होगी, खगड़िया में कल 5 लोगों ने भूख के कारण सुसाइड कर लिया, जिनके पास खाने को नहीं था। अब लोग सुसाइड करने पर मजबूर हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि आपने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, अब तक क्यों नहीं? क्या ये वही वादा है जो सरकार आने पर 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति खाते में जाएगा? क्या ये वही वादा है कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? और जब से ये सरकार आई है, NDA की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, 6 साल में 20 करोड़ लोग इस देश के बेरोजगार हो चुके हैं। तो इसलिए पहला सवाल तो ये है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दीजिए। दूसरा, महंगाई चरम पे है। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई एकदम ख़त्म हो जाएगी। जब 2008 में 163 डॉलर प्रति बैरल था, तब यहाँ 50 रुपये पेट्रोल था। आज 62 प्रति बैरल डॉलर है, तो फिर आज 100 रुपये पेट्रोल है। तो ये क्या है, आप 63-64 रुपये सिर्फ टैक्स के नाम पर ले रहे हो? क्यों भाई, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो जिससे तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, सब की कीमत बढ़ती है। और आज गरीबी का ये हाल है कि लोग नौकरी मांगना तो दूर की बात है, नौकरी मिलना तो दूर की बात है, नौकरियां जा रही हैं। और भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने बाध्यता चिट्ठी जारी कर दिया है कि अभी कोई नौकरी हमारे पास नहीं है, हम कोई नौकरी नहीं देंगे। तो ये बंगाल में भी जाके कहते हैं कि सरकार बनेगी तो 75 लाख नौकरी देंगे, यहाँ बोल के चले गए 19 लाख नौकरी दे देंगे। 5 महीना बीत गया, 19 लोगों को नौकरी नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। गैस सिलेंडर 1000 पार कर रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत जो लोगों को आपने दिया था, क्या उन लोगों के पास दोबारा उसको भराने के पैसा है? नहीं है। तो गैस सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल भरने का पैसा नहीं, और फिर अपराध चरम पर है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिहार में 10-20, 28-28 लोगों की एक दिन में हत्या हो रही है। 15-15 करोड़ के सोने लूटे जा रहे हैं, और बिहार सरकार के मंत्री शराब बेचवा रहे हैं, पुलिस थाने में शराब बेची जा रही है, मुख्यमंत्री आवास से इन सारे अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। इन सारे सवालों को लेकर के, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो जो अपराध
विधि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती चली जा रही, इन सारे सवालों को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो, आशा दीदी का मामला हो, रसोइया का मामला हो, ठेके पर जो बहाल है उनको परमानेंट करने का मामला हो, इन सारे इश्यूज को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल लगातार आंदोलन कर रहा है। एक 3 फेज में आंदोलन की घोषणा की गई थी, 8 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना और वो हो चुका, 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर धरना और तेजस्वी जी के नेतृत्व में 23 तारीख को जेपी गोलम्बर गांधी मैदान से विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। और उस दिन इस फर्जी सरकार को ख़त्म करने का ऐलान होगा कि फर्जी सरकार अब बिहार के लोग एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, 19 लाख रोजगार दो या नहीं तो गद्दी छोड़ो। इसी की तैयारी के लिए हम आज भोजपुर पहुँचे हैं, हमारे तमाम साथी पार्टी के सब लोग, हम लोग बैठ करके, क्योंकि आम आवाम फोन कर रही है, बिहार से हर गांव कस्बे से फोन आ रहा है कि हम लोग भी आना चाहते हैं, हम लोग भी आना चाहते हैं। जन सैलाब उमड़ रहा है पटना में और नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, भाजपा नीतीश कुमार पर कोई भरोसा लोगों को नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। ये बड़का झूठा पार्टी और ये भारत जलाओ पार्टी और ये जो पीठ पे छुरा भोकवा पार्टी जदयू, तो ये मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, नीतीश कुमार जैसे गद्दार पर कभी एतबार मत करना, ये बिहार की आवाम कह रही है। कई जिला जा रहे हैं, इसी क्रम में आज यहाँ आए। सबसे पहले तो मैं इस भोजपुर जिले की पावन धरती पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी सुहेल साहब को पार्टी के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से हमारे छात्र विंग के साथ ही 3 दिनों से यूनिवर्सिटी के लेकर के धरने पर बैठे थे और युवा संगठन के साथ ही 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जो गाइडलाइन है, 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना का काम करेंगे और 23 तारीख को राजभवन मार्च पूरे प्रदेश में युवा छात्र नौजवान किसान आम आवाम त्राहिमाम है इस डबल इंजन की सरकार से। डबल इंजन की सरकार चुनावी मैदान में घोषणाएँ जो करती है, निश्चित रूप से उसका विपरीत रिजल्ट होता है। आप 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2020 का विधानसभा का चुनाव का घोषणा पत्र, आज भी बंगाल में भी इन लोगों का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, 2 करोड़ बनाम विधानसभा बिहार में 19 लाख, और फिर देख लीजिए कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार को अपदस्त करने के लिए 75 लाख जॉब रोजगार देने का वादा सरकार ने किया। ये वादा यहाँ के पूरे देश, प्रदेश नहीं पूरे देश के आम आवाम गरीब किसान नौजवान देख रहे हैं कि आज 3 माह से बॉर्डर पर, दिल्ली की सड़कों पर देश के गरीब किसान मजदूर अपनी मांग मांग रहे हैं और ये सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। उसी सरकार के अंग है जो यहाँ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, उसी गठबंधन के मुखिया हैं और ये एनडीए के जो इशारे पर चुनाव आयोग का मुखिया है, बिहार की जनता का मुखिया नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पक्ष में जनादेश दिया और बिहार के आम आवाम का किसी तरह का मुसीबत हो तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यहाँ अपना फरमान लेकर पहुँचते हैं या कि नीतीश कुमार के यहाँ, ये मीडिया भाई लोग भी समझ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से संघर्षरत है और आने वाला समय बिहार की जनता और पूरे प्रशासन मीडिया ही इस निकम्मी सरकार को हटाने का काम करेगी। सबों के साथ राष्ट्रीय जनता दल कंधे में कंधे मिला करके पूरे प्रदेश में अभियान चला रहा है और आज न कल बिहार के मुखिया तेजस्वी यादव हैं और जनता के हृदय में बसे हुए हैं, उन्हीं जनादेश के साथ संघर्ष जारी है।